जॉन डियर 5310 पावर का बा। आज फिर एक नाइट एक्टर के मॉडल के साथ मैं हूं इंद्रजीत पटेल और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। किसान भाइयों, आज हम जॉन डियर के मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर जॉन डियर 5310 का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, साथ ही में इस ट्रैक्टर में किए गए नए बदलाव की जानकारी देंगे और इस ट्रैक्टर की कीमत, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम एंजॉय करेंगे इस ट्रैक्टर के ग्राफिक्स एंड सिनेमैटिक सोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू वीडियो। शुरुआत करते हैं इस ट्रैक्टर के बोनट से। तो इसका जो बोनट है अब की लॉक सिस्टम के साथ में आता है, जो कि सिंगल टच के साथ में खुल जाता है। खुलते ही इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट में एयर फिल्टर मिलता है, जो कि ड्राई टाइप और डुअल एलिमेंट के साथ में आता है। साथ ही यह ट्रैक्टर अब 3 प्रकार के कूलेंट सिस्टम के साथ में आता है, जिसमें आपको डीजल कूलेंट, ठीक इसी के पीछे इंटर कूलेंट और वाटर कूलेंट मिलता है। साथ ही इस ट्रैक्टर का एयर फिल्टर सेंसर के साथ में आता है, जो कि इसके एयर फिल्टर को और भी ज़्यादा खास बना देता है। यानी कि इसके एयर फिल्टर में कभी कचरा जाम हो जाता है या ये चोक हो जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती है, जिससे हमारे एयर फिल्टर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। साथ ही बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की, तो जॉन डियर 5310 में आपको 55 हॉर्स पावर, 3 सिलेंडर, डायरेक्ट इंजेक्शन, टर्बोचार्ज, इनलाइन FI, कूलेंट, कूल्ड ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में 2900 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 540 से लेके 2400 रेटेड RPM तक वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं इस ट्रैक्टर के राइट तरफ और बात कर लेते हैं इंजन के राइट तरफ मिलने वाले फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर का 40 MPL का अल्टीनेटर मिलता है, साथ ही इस ट्रैक्टर में आपको 12 वोल्ट 2.5 किलोवाट की स्टार्टर मोटर मिलती है और इस ट्रैक्टर का ऑयल फिल्टर भी आपको इसी साइड में मिलता है, जो कि ऑयल कूलेंट सिस्टम के साथ में आता है। साथ ही यह ट्रैक्टर टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आता है। मैं इस ट्रैक्टर का आपको टर्बोचार्जर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पर टर्बोचार्जर लगा होता है और यह क्या कार्य करता है, जब हमारा ट्रैक्टर दम तोड़ने लगता है उस टाइम पे ये जो है ट्रैक्टर को मैक्सिमम पावर प्रदान करता है, जिससे हमारे ट्रैक्टर को भरपूर मात्रा में ताकत मिलती है। हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल और स्टेयरिंग की। तो इसमें आपको एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी ग्लोबल फ्रंट एक्सल और साथ में पावर स्टेयरिंग के साथ में यह ट्रैक्टर आता है। साथ ही बात करें इस ट्रैक्टर में टायर साइज की, तो इस ट्रैक्टर में आपको अगला टायर 6.5x20 का और पिछला टायर 16x90x28 टायर साइज के साथ में आता है, जो कि ज़मीन के साथ एक बेहतर पकड़ बनाए रखता है। साथ ही ठीक इसी टायर के आगे आपको इस ट्रैक्टर का फुट रेस्ट और एक समतल प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक और कंफर्टेबल फील होता है। साथ ही इस ट्रैक्टर की सीट मल्टी एडजस्टेबल होती है, जिसको हम अपनी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस ट्रैक्टर में चढ़ने के लिए आपको इस ट्रैक्टर के फेंडर में एक हैंड होल्डर दिया जाता है, जिसको पकड़ के हम इस ट्रैक्टर में बड़ी ही आसानी के साथ चढ़ और उतर सकते हैं। चढ़ते ही आपको इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि फ्यूल इफिशेंसी, RPM, साथ में ट्रैक्टर के टोटल घंटे और ट्रैक्टर के टेम्परेचर और बैटरी सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स के साथ में आता है। अब हम इस ट्रैक्टर को कर लेते हैं चालू और इस ट्रैक्टर का करेंगे RPM चेक। साथ ही यह ट्रैक्टर फुल्ली कॉलर शिफ्ट 9 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर के साथ में आता है, जिसमें आपको ड्राइवर के राइट साइड में इस ट्रैक्टर के 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स और 1 पार्किंग का गियर बॉक्स मिलता है।
यदि आप इस ट्रैक्टर को पार्किंग मोड में डाल देते हैं तो यह ट्रैक्टर फुली लॉक हो जाता है जैसे ब्रेक लॉक में होता है, और ठीक इसी के नीचे आपको 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर में ड्राइवर के लेफ्ट साइड की। तो ड्राइवर के लेफ्ट साइड में लो हाई की तरह परफॉर्मेंस करने वाले इसमें 4 गियर मिलते हैं, जिसमें यह ट्रैक्टर डी गियर में सबसे स्पीड भागता है। इसमें आपको ABCD 4 तरह के गियर मिलते हैं। साथ ही यह ट्रैक्टर डुअल क्लच के साथ में आता है, जिसमें आपको PTU चलाने के लिए सेपरेट क्लच दिया जाता है और ट्रैक्टर चलाने के लिए सेपरेट क्लच दिया जाता है। और ठीक इसी PTU क्लच के नीचे आपको इस ट्रैक्टर का PTU गियर बॉक्स मिलता है, जिससे हम इस ट्रैक्टर का PTU 540 रेटेड RPM में चला सकते हैं। साथ ही बात करें अगर इस ट्रैक्टर की कीमत की, तो यह 9 से 10 लाख की कीमत के बीच में आपको मिल सकता है, जो कि राज्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। अब हम चलते हैं इस ट्रैक्टर से नीचे और बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे की तरफ के लुक्स और फीचर्स की। तो पीछे की तरफ से कुछ इस तरह का लुक आता है जॉन डियर 5310 का। वहीं बात अगर फीचर्स की आती है तो इस ट्रैक्टर में आपको इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 68 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है। और ठीक इसी के बाजू में आपको इस ट्रैक्टर का रिफ्लेक्टर और इसी के नीचे आपको LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट कप होल्डर दिया जाता है। साथ ही इस ट्रैक्टर में आपको टापलिंग फंसाने के लिए 3 पॉइंट दिए जाते हैं, जिनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यह ट्रैक्टर सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व के साथ में आता है। साथ ही बात करें इस ट्रैक्टर में लिफ्ट कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 2000 kg की बेहतर क्षमता वाली लिफ्ट कैपेसिटी और इस ट्रैक्टर का PTU मल्टी गियर स्पीड और साथ में 3 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में आता है, जो कि 540 से 1600 इकोनॉमिक RPM तक वर्क करता है। साथ ही इस ट्रैक्टर की बैकलाइट आपको चौकोर आकृति की मिलती है, जो कि तेज और एक बेहतर विजिबिलिटी हमको प्रदान करती है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको जॉन डियर 5310 का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और भी इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड को। जय जवान, जय किसान।